기억과 배려해 줄라 그렇게 신시해 잘 비쿨 हेलो गाइस दिस साइड यश भैया एंड यू आर वाचिंग कोटा राइडर्स। और आज अपने वन डे वन फॉलोवर मीटअप टास्क में आज अपने शतक पूरा हो चुका है। आज है 100वां दिन और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रत्येक दिन मुझे कमेंट पर कमेंट करने के लिए आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है और पूरे 100 डे कम्प्लीट हो चुके हैं। इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद और सभी भाइयों को जय श्री राम। आप भी कमेंट में जय श्री राम बिल्कुल टाइप कर मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। और इसके बाद में अब मैं जल्दी बूंदी जाने वाला हूँ, उसकी रील कल या फिर आज शाम को या कल सुबह आप लोगों को मैं डाल दूंगा। तो जितने भी अपने बूंदी के भाई है उसको प्रत्येक भाई के साथ में शेयर कर देना। और अब देखते हैं कि अपन हाड़ौती क्षेत्र इंडिया में कितनी जगह रखता है, हम साबित कर देंगे सबके लिए। और अपने डे 99 का व्लॉग अभी थोड़ी देर में अपने YouTube चैनल कोटा राइडर्स पर आ जाएगा, तो जिस भी भाई को देखना हो वो YouTube चैनल कोटा राइडर्स को सब्सक्राइब कर लो। और आज अपने Instagram फॉलोवर भाई अजय मीणा सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करी है स्टेडियम की तरफ। तो अभी अपन भाई के पास में चल रहे हैं, जो अपन का क्या है वेट ही कर रहे होंगे, क्योंकि आज क्या है यार थोड़ा मैं गया एक दो काम में फंस गया था। तो आप सब लोगों के क्या हाल चाल चल रहे हैं आप लोग ज़रूर बताएं। और भाई लाओ या बताओ शादी में कौन कौन जिम हो, क्योंकि अब शादियों का सीज़न वापस से शुरू हो गया है तो जिमने की प्रक्रिया को भी अंजाम देना ही पड़ता है। हमारी किस्मत काफ़ी बढ़िया जी, हमारा निमंत्रण आ गया जो जी चक्कर हूँ तो जिम आए जो। और देखो यहाँ पे कितना खतरनाक और खूंखार बालक जा रहा है, देखो इसकी कला देखो आप। ये बात भारी लोग, अच्छा क्या उधर गात लगा रखी थी क्या? अरे उधर गात लगा रहा भटिया था। जय श्री राम। अरे बिल्कुल जय श्री राम मारा भाई। हेलो गाइस दिस साइड यश भैया एंड यू आर वाचिंग कोटा राइडर्स। और आज अपने वन डे वन फॉलोवर मीटअप टास्क में अपने क्या है 100 डे कम्प्लीट हो चुके हैं, जिनमें क्या है भाई अजय मीणा ने आज का 100वां दिन जो है भाई की वजह से बिल्कुल सक्सेसफुल बन रहा है। तो पहले तो भाई अजय मीणा बहुत बहुत धन्यवाद ब्रो, क्योंकि पता है 100 दिन कंटिन्यूटी से बगैर रुके हुए कंप्लीट करना थोड़ा क्या है अपने आप में एक स्पेशल बात हो जाती है। तो कैसा लग रहा है ब्रो? नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, वीडियो भी देखता हूँ आपकी बहुत ज़्यादा, लाइक वाइक और शेयर वेयर भी करता हूँ। बीच में अनफॉलो कर दिया था फिर वापस फॉलो करके आप दोबारा के ना बीच में अनफॉलो कर दिया था। अच्छा क्यों भाई? वो मीटअप के लिए बहुत ही रिक्वेस्ट डाली लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करी आपने। अच्छा तो मतलब तुम्हें गुस्सा आ गया यार, नंबर ही ना नंबर ना आ रहे काई करा ऐसा सो ले, मैंने अनफॉलो कर दिया फिर अभी आज ही किया है फॉलो वापस मीटअप। ये सक्सेस यूँ रहता है ब्रो, क्या है जैसे तुम्हारा कमेंट आया अब एक दिन आयो दो दिन आयो या तो ट्राई बोल पगी। मैंने कम से कम 10 दिन तक किया था ट्राई। तो अपने यहाँ के लोगों में क्या है यही है भाई, गरा सारा छोरा जो कहें पाचो अनफॉलो कर ले जो पाचो फॉलो कर ले वो तो करते ही रहते हैं वो भाई लानता है। मैंने खाल भी एक बात की कथक हुए जिम बात जाओ चाहो मत जाओ वहाँ को जिम वो संपन्न हो समझ रहे हो, तो कोई को ब्याह ना रुकना बस। तो फिर कोई दिक्कत कोनिक मित्र अब बस फर्क होता ना सो यार आजकल जलन की भावना ज्यादा रखना चाहते हैं जिसको अनफॉलो कर दे। पर ये बात बता काल मारी जगह तू कड़ो रहोगे और ताले राशिया पिक्चर बनेगी ये फिर तारे भी समझ में आ जाओगी कि यार भाई साहब ले रहा गलत करी अपन ने। सही इसलिए तो फॉलो किया ना वापस मीटअप के लिए। तो भाई के साथ में क्या है दो जने हो रहे हैं, पहले नाम पूछ लेते हैं भाई आपका नाम? मनीष नागर देवा गुजर। अरे वाह यार खतरनाक आदमी। तो भाई कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हो आज मुझे प्रैक्टिकल में पहली बार मिले हो कि इससे पहले मिले हो? नहीं नहीं अपन पहले मिले ही नहीं, फर्स्ट दिन फर्स्ट बार मिले हो। अच्छा कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है, पहले मतलब फर्स्ट में जब मिले तब तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था पर अब बढ़िया फ्रेंक लिए भैया एक नंबर। अच्छा पहले कहाँ मिले थे अपन? अपन पहले कहाँ मिले? मैं वही तो तुमने कहा ना कि पहले मिले थे तो गड़बड़ लग रहा था। अच्छा पहले अपन अभी शुरू में मिले ना फर्स्ट में। अच्छा अच्छा तब थोड़ा अजीब सा लग रहा था पर भैया बहुत बढ़िया है फ्रेंकली एकदम। तो ना सोचिए अरे खटी खटी को तो बूढ़ो टाटो तो खड़ू सा आदमी खड़ो को है ना माँ तो चाटो को बारू
सही से बता, मन की इच्छा बता, मन में क्या चल रहा था? ऐसे तो कुछ नहीं चल रहा था, बस मन की गए यार, झूठ मत बोल दे। हाँ थोड़ा हो सकता है यार, जब मिलते नहीं अपन डालो ज्ञान पिलाई कर वाला, इधर साइड में खड़े हो जाओ, वैसे करो वैसे करो। नहीं नहीं वो तो वीडियो से पता चल गया था, इतना एटीट्यूड नहीं बनने में। सही है, तू तो यह बता ब्रो, रोटी खाओ जन और पदा हुए मुँह भी सेम ही हुए तो खाए को एटीट्यूड भाई। सही बात नहीं है, तो सब वही एक जैसे है। अरे तनी आज एटीट्यूड वाला का भी लाखड़ा है बड़ा छः को भाई। तो तुझे क्या लगता है, एटीट्यूड दिखाना सही बात रहती है या गलत बात रहती है? अच्छी बात नहीं है। क्या मतलब बारह फालतू, इंसान तो वही, क्योंकि एटीट्यूड रखना का मित्र उसको कहें एक ही चीज़ होगी तो उनका दुश्मन ज़्यादा बढ़ेगा। छः को प्रेम से बोलो, अरे मुंडो दियो भगवान ने, अब अरे गलती से गूंगा होता तो कहीं करता, कहीं करता रो भाई, गूंगा होता तो बोलता ना, और तो कहीं कहीं भी ना बोलता ना, तो फिर सारी मन के मन में रह जाती रह जाती। तो कम से कम भगवान मुंडो दियो जो दी की कदर करनी चाहो ना। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे, जरूरी थोड़ी जो बड़ा है करो। पता है भाई, कोशिश तो बहुत बेहतर कर रहा हूँ, और देख लो तू सो दंसु अपना बहुत अच्छी है, कामयाब भी होगी एक दिन। जी दिन कामयाब होगा ना, ऊधन का जो आप नाड़ी को प्रत्येक बार लो भी कामयाब हो, क्योंकि देख यार जहाँ तीन एक जना सुखाए भी ना हो ना, तो कहें जो पाचाड़ा ना भी यूँ लागत रहा कहीं करो वहाँ, और घराड़ा ना भी लागत पीसा ना बिगड़ जाओ। देखा आप नाड़ी को सिस्टम ही हो जाए, अब अरु आप नाड़ी चोरा चोरी आए फोन न दो क्यों, क्योंकि वहाँ याद है कि यार ये वीडियो बना रहा कहीं होगा आप नाड़ी कोई कमाई ना रहे यहाँ से क्यों भाई। सही बात, तो अगर एक जनों भी खड़े थे ना तो फिर वो अपना मम्मी पापा होना भी ना जी का जैसे बरतार मम्मी पापा घर में लोहरी लगता है ना तो सब लगते चल जाते हैं। जैसे कोई भी पापा है कोई भैया है, अगर जो फर्स्ट में अगर जो कोई नौकरी वाला रहता है ना तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी फिर उसकी वही प्रगति चलती है फिर। तो वैसे को वैसे अड़ोसी क्षेत्र में अपने इस काम को करेंगे ना तो इसके अलावा अपने जो पीछे वाले आदमी हैं वो भी आगे बढ़ेंगे, पैसे कमाएंगे इस चीज़ से, क्योंकि घर वालों को भी विश्वास हो जाएगा नहीं यार सक्सेसफुल हो रहा है धीरे धीरे। और एक चीज़ और रहा है, टाइम तो लगता ही है देखो सक्सेसफुल होने, ऐसे थोड़ी है भाई टाइम में कहीं दिक्कत है यार। तो देवा बता जितनी बार सो दन में से सो दन में अपन जितनी कोशिश करी, ईसु पल्ली भी कर रहे थे बस ताने आज अगर अशिया तो बार तू भी जिंदो थे मुँह भी जिंदो थे पर यूँ रह जाए बार रिश्ता न रहेगा को नौकरी लागत है तो रो ता भी चोर हो जो पली कहीं मर गए जो पली भी जिंदो जो ना तो उसे ही रह जाए। तो आज जैसे शक्ल दिखती है कहाँ यार कोटा राइडर भैया है यश भैया है कहीं पली यश भैया जिंदा को नहीं जाए समझ रहे, नाम होते हैं ना तो फिर थोड़ा बहुत पब्लिक जानती है अगर नाम ऊंचा होता है ना तो आज जैसे भाई मुँह कर रहे तो कल तना लागत है सक्सेसफुल हो जाऊँगा तो फिर तभी कर पाएगी सोच सकत। हाँ सोचेंगे ना बिल्कुल, मैं क्या और भी कोई सोचेगा अपने समाज में आगे कोई ना कोई बढ़ेगा जिसका इंटरेस्ट होगा वो बढ़ेगा। तो कितना आगे जाना चाहिए तुझे क्या लगता है? हमारे लिए तो आगे जाना चाहिए यार मतलब लिमिट से भी ज़्यादा आगे नहीं, मतलब लिमिट भी होती है जैसे आगे ऊपर ऊँचा होने की भी लिमिट होती है, ऐसी थोड़ी है कि भाई हाँ इसकी लिमिट ही नहीं है। पता है भाई मारो मान बोयो छ आप नाड़ी कहें छोटी सोच थोड़ी ज़्यादा, कोई भी चीज़ की लिमिट हो भाई को एक बार बता, हमेशा छोटी चीज़ ने हमेशा आदमी को ऊँचा सोच रखी है, मेरे को ऐसा नहीं ऐसा करना है, और वो आदमी अगर वो वाक्य में करता ही है तो वाक्य में सफल भी होता है, और जो आदमी अगर नीचे सोचता है ना वो हमेशा उसकी सोच नीचे रहती है हमेशा, ये तो मैंने देखी है बात। तो भाई आप नाड़ी देख नीचे सोच बड़ा कितनी आज अगर टांगे घीच तारी भी खाँच है हमारी भी खाँच है और सबसे ज्यादा कौन खाँच है तो फिर से मैं सारी पब्लिक का एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि 100 डे अलग अलग इंसानों से मिलना मेरे हिसाब से तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है, और मुझे इस बात पर गर्व भी होता है कि मैं 100 दिन तक बिल्कुल कंटिन्यूटी से कर पाया। इसके बाद में अब मैं 2 या 3 दिन में बूंदी आने वाला हूँ, तो उसकी रील मैं अपने यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा तो आप सबको मिल जाएगी, तो आप सब लोग बूंदी पे शेयर कर देना वो जितने भी भाई हो। अब अपन जल्दी मिलने वाले हैं बूंदी में, और जिसको देखना आज का फुल ब्लॉग वो अपने यूट्यूब चैनल कोटा राइडर्स को सब्सक्राइब कर लो, जिसको करना है कल अपन से मीटअप वो अपने इंस्टाग्राम रील पर कमेंट करें, बाकी सारी पब्लिक को जय श्री राम।